जय जोहार, जय संगवारी होवा, सब सब ल मोर तरफ से राम राम। अब मैं तुमन ला हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होत हवे जेला हमार छत्तीसगढ़ी में सधौरी बोलते हैं और हिंदी में गोद भराई है। और हमारे यहाँ जब बेटी मन के गोद भराई होते तब पहली बार उकर पूरा जो उकर सामान है श्रृंगार के सामान बच्चा के सामान मायके से ससुराल जाते हैं। गोद भराई के मुहूर्त कल है और आज हमन अपन घर परिवार अपन रिश्तेदार मन ला निमंत्रण दिए हैं सब आही और सब अपन आशीर्वाद दी गिफ्ट के गिफ्ट आशीर्वाद भी दी और गिफ्ट भी दी। तो मैं तुम ला सब ला दिखात हवा कि हमन के काका जोरे हवन कल ससुराल जाही वह मोनी के ससुराल जाही कल होकर गोद भराई वही। और फिर तुमन मोल कमेंट करके बताहा कि काकर काकर में ये रिवाज हबल तब मैं आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रही। यह आने वाला नन्हा मेहमान के खिलौना है तेल और दवाई जो जचकी के दवाई रहते उकर बनाए बर घी उकर खाए बर ये घर के शुद्ध गाय के घी है और कोला के हमार जिमी कांदा है और आटा बच्चा के झूला है और डिब्बा में अचार है और एमा सब डिलीवरी के बाद जोन जोन खाना खान पान रहते वो सब मायके ले ओला याद कर करके जोड़े जाते हैं जैसे कि सूखा चना हो गए गुड़ है शक्कर है घर के बनाए बड़ी है दाल है और ये लाई बड़ी की जोड़ी हब है उड़द के दाल है। हौला माँ सात नीम के रोटी रहते मीठा रोटी रहते हमन के माँ सरोरी में वैसे तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंजन खुरमी है पर हमन के पता नहीं काबर भाई खुरमी नहीं जोड़े जाए और बाकी सात प्रकार के मीठा है जो घर में ही बनाए हवन हाँ ये दवाई है जो लैसने गमछा बांध के देते मायके से ही जाते ससुराल वाले मैंने लड्डू बांध के खिलाए डिलीवरी के बाद। गोद भराई में जाही गोद भराई में भाई मन सब सामान मन लेके जाते हैं और वहाँ सुहागिन मन के साथ बैठ करके गोद भराई हुई। अब मैं गिफ्ट मन ला दिखा था वो जो नहीं है मायके से घर से जा था वह घर से देते हैं ये दामान पर ये कपड़ा है कपड़ा भी जाते ए चूड़ी है बिटिया चूड़ी है ओकर पर ये श्रृंगार के सामान है ये बच्चा के सब जरूरत के सामान है उकर कपड़ा उकर रबड़ ये सब और यह घर से साड़ी है ये घर के साड़ी है सब सब कोसा के है और क्या कहते हैं हमन की माँ तो कोसा बिना चला नहीं हर शुभ कार्य कोसा से ही शुरुआत होते कोसा की साड़ी है लहंगा है खूब सारा है आप मन देख सका था और कमेंट करके बताहा कि सबसे अच्छा कौन सा लगी साहब है। रिश्तेदार मन जब गोद भराई होते तो का कहते हैं अपन अपन तरफ से गिफ्ट देते हैं आशीर्वाद के रूप में ये सबके साड़ी है अपन तरफ से साड़ी सिंदूर बिंदी और सामान करके देते हैं वो ये है ये सिक्का है और यह ओम के लाकेट है यह हमार मतलब नन्हा मेहमान वर है जात हब है जब वो जैसे ही वो खाने की तैयारी हो रही है रात के खाए की तैयारी हो था वह सब सामान पैकिंग हो गए है कल सुबह के 10 बजे के जाए के शुभ मुहूर्त है और सब बिजी हमें डिनर की तैयारी हो थे खूब सारे बच्चे भी आ गए हैं प्यारे प्यारे बच्चे प्रीति भी आ गए।